हेलो दोस्तों, के हिमाचल में सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है, कुछ अलग होने वाली है, वो भी एक्टिवा सिक्सटी के बारे में। और ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, टायर मंगवाया है, सीएट का टायर मंगवाया है मैंने। और इसका नंबर है 9090010, सीएट का है, ठीक है। तो ये लगभग अराउंड मेरे को पड़ा 1150 रुपये का। तो ये ग्रिपिंग वाला टायर है, इसमें लिख रखा है सेट ग्रिप, ये रहा। ये रहा गाइस, ग्रिप वाला टायर है। और जो मेरा टायर है वो पूरा घिस चुका है, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो क्या हालत है इसकी। ये है, ये था माइलेज का, ये भी सीएट का ही था। और ये देखो पूरा ख़त्म हो रखा है गाइस, पूरा प्लेन हो रखा है, पूरा ख़त्म हो रखा है टाइम। तो इसका मुझे मतलब बहुत टाइम से वेट था और मैं इसको मंगवाऊँ और कभी ये जल्दी आए। जो फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे को टाइम दे रखा था, अराउंड एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ था, मतलब ये टायर आना था मेरा 25 तारीख को। और मैंने उनको फ़ोन किया और इन्होंने मेरे को 24 तारीख को भेज दिया। तो गाइस चलते हैं रिपेयरिंग की दुकान पे, वहाँ पे जाके चेंज करेंगे उसको और उसके बाद बताएंगे आपको कि कैसी परफॉर्मेंस है टायर की। तो फाइनली गाइस, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई समाप्त और हम जा रहे हैं अभी टायर चेंज करवाने। मेरे को यह भी डर लगा रहता था ना कि कभी भी कहीं भी फट जाए तो मेरे को मोड़ दे, मतलब कंधे में स्कूटी उठा के लानी पड़ती भाई, ऐसी सिचुएशन आ जाती कहीं कहीं तो बहुत खतरनाक वाली। तो मैंने सोचा कि मैं करवा ही लूँ इसका काम यार, एक बार अगर ये मेरी मर्सिडी में लग गया ना तो गाइस मैं आपको पूरी अपडेट बताता रहूँगा इसके बारे में यार, जितने भी ब्लॉग आएंगे मेरे, क्योंकि मैं एक ब्लॉग में बताया भी था कि यार टायर मेरा घिस चुका है पूरी तरह से और मैंने चेंज करवाना है। तो ये रही गाइस वो शॉप, अभी भी स्किट हुआ यार, अभी भी टायर स्किट हुआ पीछे जैसे ब्रेक लगाई मैंने। तो भाई साहब पड़े हुए पूरे मोबाइल देख रहे हैं, तो इनको जाके थोड़ा बोलते हैं, भाई जी टायर चेंज करना है। हाँ टायर लेके आया, पीछे वाला यहीं से देख के पता लगा ले, पीछे वाला है? यहीं से देख के पता लग गया। पहले यहाँ से गेस कर रहे कौन सा है मेरे के पास पहले भी याद है यार, मेरे को जानते हैं। ये रहा सीएट का, ठीक है। हाँ हाँ सही है, ये सीएट का। ये माइलेज वाला था ना, दूसरा ये ग्रिपिंग वाला है। एक बार आपने बोला था ना कि वो दूसरे वाला जो टायर था मेरे मोटे वाला मंगवाने के लिए, मैंने यार ये आपने बोला कि जो कंपनी ने बनाया है वो सही है, होता है ये सही होता है भाई, तभी तो मैं फिर मैंने वो नहीं लिया, फिर मैंने बोला यार ये ले लेता हूँ। पसीने से बुरा हाल है गाइस, पसीना बहुत पड़ा हुआ है, गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हो नहीं रही है, और बारिश हुई थोड़ी सी हुई उसने और गर्मी बढ़ा दी। ये तो खाली है, ओवन के लिए निपल है ना, ट्यूबलेस होता है ना,
गाइस, टायर लग के जो है रेडी हो ब्रेक दबानी पड़ेगी क्या? चेक करो गाइस, 2 मिनट में टायर चेंज हो चुका है गाइस। कितना सेक्सी लग रहा है इसमें। तो गाइस हमने अपनी मर्सिडीज को नए जूते बना दिए, पिछले वाला नया जूता बना दिया और अगले वाला तो इसका घिसता नहीं। और ये रोड पे दौड़ने के लिए अब तैयार है बिल्कुल। ब्रेक ठीक है, ब्रेक ठीक है, थोड़ा कंट्रोल तो हुआ कुछ यार। स्किड होने से थोड़ा कम हो रहा है, स्किड मतलब बहुत कम हो रहा है। अब इसको यहां से ऐसे करके मोड़ू ना। ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फर्क है थोड़ा गाइस, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। नहीं तो थोड़ी सी ब्रेक दबाने पे ना बिल्कुल ही हो जाता था, वो स्किट होने लगता था। हल्की सी ब्रेक ऐसे दबाओ तो स्किट हो जाए पीछे वाला। अब ऐसे दबा रहा हूँ ब्रेक, बिल्कुल स्किट नहीं हो रहा है। ग्रिप बन गया ना यार, तब स्किट नहीं हो रहा है। ये देखो कितना स्किट हुआ है टायर मेरा, देख दिखाऊं मैं आपको। ये देखो थोड़ा यहाँ से चढ़ाई चढ़ाऊं तो स्किट हो जाया करे। बहुत स्किट होता था गाइस यहाँ से टायर दो।